और इम्पोर्टेंट इसमें से बहुत ज़्यादा NPAs का है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कंप्लीटली देख लेते हैं तीन स्लाइड्स में. व्हाट आर NPAs? पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के पहले असेट्स क्या होते हैं वो जान लो, जो बैंक्स ने जो अपने उधार आगे एक्सटेंड किए हैं जिनसे वो कल पैसे कमाएंगे. बैंक्स के मॉडल हमने शायद पहले डिस्कस भी किया था एक बार, कि बैंक्स का मॉडल क्या होता है कि जनता से पैसे पकड़ते हैं वो या फिर सरकार से पैसे लेते हैं जो भी है अकॉर्डिंगली, एंड दे गिव टू आगे जो भी इंटरेस्ट वगैरह कमाने के लिए आगे लेंड कर देते हैं वो. तो जो आगे उन्होंने लेंड किए दैट इज देयर एसेट, जो पीछे जनता से उठाए पैसे दैट इज देयर लायबिलिटी. तो बस ये बात ध्यान में रखनी. और असेट क्या हुए, आगे जो उधार दिए हुए अब लोगों ने वापस नहीं किए, असेट नॉन परफॉर्मिंग हो गया एज अ जनरेटेड इनकम फॉर द बैंक, असेट बता दिए. हाउएवर लोन्स दे टर्न बैक इफ द इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट रिमेन्स अनपेड और इवन आफ्टर ड्यू डेट. आज जैसे लगते हैं आज ड्यू डेट थी, आज के अगर 90 दिन बाद तक भी पैसे नहीं आए तो NPA बन जाएगा एंड टर्न्स इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट और NPA इफ रिमेन्स अनपेड फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज. थोड़ी सी एक्सेप्शन है एग्रीकल्चरल लोन्स एंड ऑल को लेके, 180 डेज की भी है जो सीजनल क्रॉप्स हैं. मेजरली आपने पेपर में लिखना है तो 90 डेज ही लिखोगे, पांच लिख देना एंड विद अ फ्यू एक्सेप्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. ओके, हाउ एसेट्स बिकम, हाउ दे बिकेम NPA, बने कैसे NPA? कंपनीज ओवर एक्सपेंडेड, अजम्पशन चल रही थी क्योंकि दुनिया सारी ग्रो कर रही है और सामान तो बिकते ही रहेंगे तो लेट्स कीप एक्सपेंडिंग, ओवर एक्सपेंशन हो गई तो बना नहीं, वो NPA बन गए. वो जो नई नई कंपनीज खुली उसमें NPA बन गई. इंडिया वुड स्केल डबल डिजिट ग्रोथ रेट्स, चलता रहेगा ग्रोथ रेट तो वही नहीं ऐसा. एंड पॉलिसी लॉक जैम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में 2012-13 में तो भी विटनेस, और 2014 के मेंस में वो आपको ऐसे का टॉपिक आ जाता है कि वॉज इट पॉलिसी लॉक जैम दैट फेल्ड दैट हेल्प फेल्ड द इकॉनमी. पॉलिसी लॉक जैम पे ऐसे का टॉपिक आ गया. और स्लोइंग डोमेस्टिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड इकॉनमी. अब ग्लोबल ग्रोथ तो रुकी हुई है, आपको पता है ग्लोबल ग्रोथ इज स्टैग्नेंट, इट इज नॉट ग्रोइंग एट ऑल, 1% से भी कम पे हो गई है. तो इसीलिए अब डोमेस्टिक ग्रोथ भी अकॉर्डिंगली रुक जाती है. एंड उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है पेपर में, विलफुल डिफॉल्टर्स भी जान बूझ कर पैसा पे नहीं करते, और नहीं करे तो हम क्यों करते. विलफुल डिफॉल्टर्स आर जो रघुराम राजन इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी कंसर्न अबाउट दीज, जो विलफुली डिफॉल्टर जो पैसे हैं लेकिन दे रहे हैं. एंड उसके बाद एक और चीज़ें पता लगी हमें, जैसे जो कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा में शायद मैनिपुलेटिव बैंक मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट भी मैनिपुलेट कर रही है वो, कि बैंक स्टाफ ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, बोल देंगे आपका लोन वापस नहीं आया, रखो वापस, थोड़ा सा मुझे शेयर दे. तो ये अभी एक ऑल टाइम बिगेस्ट बैंकिंग स्कैम अनअर्थ हो रहा है अभी, एंड इंडियन एक्सप्रेस में आता रहा कंटिन्यूसली. तो बिगेस्ट एवर लॉसेज रजिस्टर किए हैं बैंक ने इस बार, क्योंकि बैंकिंग के स्कैम निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मैनेजर्स ने क्या बोला कि कोई बात नहीं आप लोन पैसे वापस मत करना, विल मैनेज विल एडजस्ट. अभी रघुराम राजन उस पर कंटिन्यूसली बोल रहा है ना कि आप दिखाओ तो सही कितना नुकसान हुआ, दिखाई नहीं रहे सामने नहीं सच्चाई कितना बुरा काम चल रहा है, क्यों चल रहा है, अभी तक कितना बुरा चल रहा था तो क्यों चल रहा था, पहले एक्शन भी नहीं लिया. वे आउट सर्वेसी एक्ट, सर्वेसी एक्ट पे आज सच सेपरेट क्वेश्चन भी आया हुआ पेपर में 2012 मेंस में. सर्वेसी एक्ट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, किसी को याद हो जाए तो अवार्ड देना. तो नॉनदलेस सर्वेसी एक्ट, तो द एक्ट प्रोवाइड्स थ्री ऑल्टरनेटिव मेथड्स फॉर रिकवरी ऑफ NPAs. थ्री मेथड कौन से, नाम पे लिखे हुए हैं. पहला सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, प्री का क्वेश्चन बन सकता है. सिक्योरिटाइजेशन इज कि आपने अपने लोन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और आगे इन्वेस्टर्स को बेच दिया, सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं. जब आप अपने ब्रॉडर किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और आगे इन्वेस्टर्स में बांट दो, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन. जैसे कंपनीज करती हैं, फेसबुक ने अपने शेयर्स मार्केट पर लॉन्च किए तो मार्केट में क्या किया उसने, सिक्योरिटीज बना के बेचे, छोटे छोटे शेयर्स बना के बेचे. जब ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन. बैंक के पास लोन था 100 करोड़ रुपए का, वापस नहीं आ रहा था, तो बैंक ने क्या बोला कि इन्वेस्टर्स को बोला कि चांसेस तो लोन आने के कम, वापस कम है, लेकिन देखो 100 करोड़ का लोन है तो आप काम करो 40 करोड़ रुपए के चांसेस है वापस आने के. 40 करोड़ अब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को बांट दिए कि वापस आ भी सकते हैं, आपको मैं 100 रुपए की चीज 40 में दे रहा हूँ डिस्काउंट में इन स्मॉल पैकेट, बहुत सारे लोगों को बांट दिए,
रिस्क डिवाइड हो गया एक तो, और लेकिन अगर किसी को रिटर्न मिलेगा रिटर्न अच्छा मिल जाए, रिस्क तो बढ़ गया लेकिन रिटर्न के चांसेस भी हाई है कि रिटर्न हाई मिलेगा, हायर रिटर्न. तो दैट इज सिक्योरिटाइजेशन. और सरफेसी एक्ट एनेबल करता है बैंक्स को ऐसा कर पाने के लिए. देन असेट रिकंस्ट्रक्शन की एआरसीज बन सकती है असेट को रिकंस्ट्रक्ट. असेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि आपका कोई लेट्स से आपने कोई हाईवे बनाया या कोई कुछ भी, तो उसमें आप जो हाईवे बना रहे थे कंपनी उसके पास समहाउ ऐसा कुछ हो गया कि वो पूरा नहीं हो पाया हाईवे, बीच में कहीं रह गया और बैंक का तो एनपीए बन गया, वो बैंक से उधार लिया हुआ था उसने. अब एक एआरसी आएगी, एआरसी बोलेगी अच्छा कितने 100 करोड़ रुपए अटके हूँ आपके, एक काम करो सारा का सारा प्रोजेक्ट मुझे ट्रांसफर कर दो 40 करोड़ 30 करोड़ कुछ डिस्काउंट पे, हैवी डिस्काउंट जनरली. आपको तो कुछ नहीं मिल रहा, जीरो मिल रहा है, कुछ तो मिल जाएगा अभी. तो बैंक को सम रियलाइजेशन हो जाती है, कुछ पैसे मिल जाते हैं. और जो ये असेट था, जो ट्रबल्ड असेट था, ये किसी और के पास चला गया, एआरसी जिसके पास मैनेजमेंट भी है ठीक ठाक करने के लिए और पैसे भी हैं, और दोबारा से असेट को रिकंस्ट्रक्ट करने की ट्राई करेंगे वो, ताकि वो चल पड़े, ताकि एक तो देश को एक असेट मिलेगा प्रॉपरली एंड सेकेंडली बैंक से कुछ पैसे रियलाइज हो जाएंगे. तो दो तीन फायदे हैं. लेकिन देखा अभी क्या देखा गया है लेटली, इंडिया में एआरसीज भी पिक नहीं कर रहे, एआरसीज भी इंडिया में एक्टिवली काम नहीं कर रहे. जो इंडियन एक्सप्रेस का डेटा देखें अगर, वो बोलता है कि 7 लाख करोड़ रुपए के एनपीएज हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 करोड़ के ही सामान उठाए. गवर्नमेंट की एआरसी बन गई है नैमको, नेशनल एसेट मैनेजमेंट. जो इंडिया में ऐसा होता है कि इंडिया में जो बाकी नहीं कर सकते ना, वो सरकार कहती है मैं करता हर काम इंडिया में. अच्छा, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ये सरफेसी का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. एनफोर्समेंट करा सकते हैं, लेट्स से कि किसी ने घर लिया और पैसे वापस किए नहीं, कोई फैक्ट्री बनाने की बात करी, फैक्ट्री बनी नहीं, उसके बाद अगर बैंक को वो बेचनी होती थी, बैंक को कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं बहुत सारे. सरफेसी एक्ट ने उनको एनेबल किया कि बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के आप उसको बेच सकते हैं. तो सरफेसी ने बैंक को एनेबल कर दिया विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट. सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हो आप. बाकी सिक्योरिटाइजेशन एंड एआरसी जो है वो तो आफ्टरवर्ड भी आ सकते हैं. ये इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, अभी बैंक लेट्स से फैक्ट्री के लिए पैसे लिए किसी ने और फैक्ट्री चली नहीं, बैंक के पैसे डूबे हुए, अब बैंक को जाके वो फैक्ट्री बेचनी है, और फैक्ट्री बेचने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है. अब लंबा प्रोसेस है, उतने में असेट की वैल्यू गिरती जा रही है, 2-3-4 साल बीत गए उसमें. अब सरफेसी एक्ट पास किया, फिर उसमें बोला कि नहीं नहीं अब आपको कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अखबार में नोटिस निकालो. अखबार में नोटिस आता, अभी भी रिसेंटली आया हुआ कितने सारे नोटिस, कि नोटिस निकालो कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और इसकी इतने इतने दिन को बिडिंग होगी. तो बिना कोर्ट की इंटरवेंशन, बिना कोर्ट के धक्के खाए आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो. बैंक वे आउट, अब ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है, प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें CDR और एक आगे टर्म आएगी SDR, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, दोनों डिफरेंट है. तो प्लीज ये ध्यान से समझ लेना. CDR क्या होता है, कॉर्पोरेट डेट को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं. डेट को रीस्ट्रक्चर करने का मतलब कि लेट्स से अभी आपने उधार लिया हुआ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको समहाउ आप वापस नहीं कर पा रहे, महंगा पड़ रहा है आपको, कंपनी को महंगा पड़ रहा है, वापस नहीं कर पा रही है. तो कहते हैं डेट को रीस्ट्रक्चर कर दो, कि 2-4 बंदे और मिलते हैं कि कुछ तो पैसे वापस मिलेंगे. वो क्या बोलते हैं कि अच्छा एक आपको पैसे वापस कर रहे हैं, आपका डेट रीस्ट्रक्चर हो रहा है, टाइमलाइन बढ़ा रहे हैं. एक तो 5 साल का था 8 साल कर रहे हैं डेट, और लेट्स से आपको 10% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 8% हो जाएगा, 6% हो जाएगा, कुछ थोड़ी सी रियायतें मिल जाएंगी, यू विल गेट सम एग्जम्पशन. दैट इज डेट रीस्ट्रक्चरिंग. जब कंपनीज का डेट ऐसे रीस्ट्रक्चर होता है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रिजीम टू अनदर रिजीम, उसको बोलते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग. जनरली उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को कम कर दिया जाता है और टाइम बढ़ा दिया जाता है, और कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है कि 2 साल तक चलो आप काम चलाओ बिना इंटरेस्ट पे, कंपनी चलेगी तो दे देते. दैट इज डेट रीस्ट्रक्चरिंग. Easing the debt conditions of the borrowers and 521(5) scheme, ये भी बार बार अखबारों में आ रही है. पहले banks 25 साल तक के लोन नहीं देते थे, banks का maximum जो लोन जाता है वो था 12-14 साल का. तो 25 years के लोन देने शुरू किए उन्होंने, और RBI ने क्या बोला कि इतने, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक के पास असेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाता है. असेट लाइबिलिटी मिसमैच मतलब जिसने पैसे दिए थे जनता ने, जिसने बैंक में पैसे जमा कराए थे, वो तो वापस मांगने आ जाएगा 5 साल में, FD
छह साल की होगी, आठ साल की होगी, लेकिन बैंक को जो आगे असेट से पैसे वापस मिलने हैं वो मिलेंगे 25 साल में, तो असेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया, कैसे मैच करें? तो इसलिए बैंकों को आरबीआई ने क्या बोला कि 525 स्कीम चलाओ, कि 25 साल के लोन दो लेकिन हर 5 साल बाद दोबारा से लोन की रीफाइनेंसिंग होगी, लोन को रीफाइनेंस किया जाएगा 5 साल बाद, नई कंडीशंस होंगे, नए इंटरेस्ट रेट होंगे उस वक्त के हिसाब से, ताकि असेट लायबिलिटी मिसमैच। जनरली नहीं, वो पहले डिसाइडेड होता है कि क्या होने वाला है, कि किस कंडीशन पे, किसके बेसिस पे करने वाले, आपके प्रोडक्ट कहाँ बिक रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या चल रही है। 525 स्कीम थोड़ा बैंक क्या करता है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग देने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एट द सेम टाइम जिन कंपनीज को लॉन्ग टर्म लेंडिंग चाहिए उनको पैसे मिल जाते हैं, और थोड़ी सी हाँ उनके वो है कॉम्प्रोमाइज तो हो रहे हैं कि 5-5 साल बाद कराना पड़ेगा रिस्ट्रक्चर, लेकिन स्टिल 25 साल का लोन तो मिलता है। टू रीफाइनेंस द लोन एवरी 5 years फॉर 25 years रीफाइनेंसिंग होती है, एंड स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग SDR, ये रघुराम राजन का बहुत ही खास चीज है स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें ये याद रखना कॉर्पोरेट और स्ट्रेटेजिक में डिफरेंस है। तो स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि अब लेट से कोई पर्टिकुलर कंपनी जिसको बैंक ने उधार दिया उसने काम नहीं किया, NPA बन गई, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि बैंक वालों को बोलते हैं कि छोड़ो इंटरेस्ट रेट, जो आपको आप उधार दिया हुआ था आप कंपनी में हिस्सेदारी ले लो, बिकम एन इक्विटी पार्टनर। तो अगर कंपनी में इक्विटी पार्टनर बन रहा है बैंक, तो क्या हो रहा है वो डेट को हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम डेट टू इक्विटी, दिस इज SDR, ट्रांसफरिंग इक्विटी टू लेंडर्स, जिसने उधार दिया था उसको बैंक में उसमें कंपनी में हिस्सेदारी मिल गई। ठीक है, तो ये एक बार रिपीट कर रहा हूँ, CDR में डेट कंडीशंस रीफाइनेंस हुई है, ईजिंग हुई है, 525 में 5-5 साल बाद रीफाइनेंसिंग हुई है, और SDR में जो उधार वाले बंदे थे उनको मालिक बना दिया एक तरह से इक्विटी दे दी। और ARCs की बात कर रहे हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको बढ़ावा दो, हमने देखा नैम को भी बना दी गई है, सरकार नैम को बना रही है, इस बार शायद बजट में अनाउंस हो जाएगा नैम को। और JLF नॉर्म्स, ज्वाइंट लेंडिंग फोरम्स, जो ज्वाइंट लेंडिंग फोरम मतलब लेट से 8 बैंक, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कोई एक बैंक ही कर सकता, 8 बैंक 10 बैंक मिलकर करते हैं, को सिंडिकेट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, कंसोर्शियम भी बोलते हैं, जॉइंट लेंडिंग फोरम्स बोलते हैं वैसे RBI के लैंग्वेज में। तो वहां पर अब ब्रॉडली है क्या JLF में, वो कह रहे नॉर्म्स हमने ऐसे कर दिए कि अभी ना एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया DSIBs का, DSIBs इज डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, सिस्टमिकली ये लिखा हुआ है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक DSIBs, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। अब अपने पास ना एक बैंकिंग को लेके एक नॉर्म्स है, बाजल नॉर्म्स, नाम सुना आपने, बाजल इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड, तो बाजल नॉर्म्स हमारे पास बाजल थ्री क्या बोलते हैं कि इसको बेसल बोलते हैं, वो फ्रांस वाले इसको बाजल बोलते हैं, चलो ठीक है बेसल बोलते हैं, बेसल ठीक है। बाजल नॉर्म्स में क्या हुआ कि उसने बोला कि जैसे हमने देखा 2008 में जब एक बहुत ही मेजर बैंक फेल हो गया US में, तो पूरे दुनिया में काम खराब हो गया, पूरे दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खराब हो गए, तो कहते हैं हमें ऐसे सिस्टम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनको पहचानना है। लीमन ब्रदर्स, आपका नाम लीमन ब्रदर्स, US में फेल हुआ था, पूरी दुनिया में काम खराब हो गया था, सारे दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिगड़ गए थे, तो ऐसे बोला कि ये सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, इनको संभाल कर रखना जरूरी है, जैसे सेंट्रल बैंक की कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI, बाकी बैंक से तो अलग ही है, अगर SBI बंद हो जाए तो काम सच में खराब हो जाएगा। तो सिमिलरली लेट से अगर छोटा सा कोई बैंक सोचो, फेडरल बैंक बंद हो जाए, इतना मुद्दा नहीं है, कोई छोटा बैंक और सोचो, कोई देना बैंक बंद हो जाए किसी का क्या लेना देना, तो वो ऐसा ही भी नहीं है, ठीक है। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात हो रही है, वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। तो बाजल नॉर्म्स क्या बोलते हैं, बाजल थ्री आ रहे हैं अभी, वो बोलते हैं कि आपको DSIBs में ढूंढने हैं, डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट में ढूंढने हैं, जो सिस्टम के लिए डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इंटरनेशनली, इंडिया में ऐसा इंटरनेशनल वाला कोई भी नहीं, तो DSIBs ढूंढने हैं। और RBI ने 2 बैंक्स को DSIB क्लियर कर दिया, और कौन से थे वो, SBI और ICICI बैंक, उन दोनों को DSIB क्लियर कर दिया। तो DSIB का नॉर्म क्या है, कहते हैं जब JLF में, जब ज्वाइंट लेंडिंग फोरम में, व्हेन इफ देयर इज अ DSIB,
अगर कोई डीसी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेट्स से 10 बैंक आए हैं कोई बड़े से प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने, उसमें से लेट्स से एसबीआई भी है, तो एक कोर टीम होती है, कोर टीम, कोर टीम जो मतलब देखती है प्रोजेक्ट को सारा कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, डॉलर डॉलर, तो वो कह रहा है कि कोर टीम में डीसीप का बंदा होगा ही होगा। अगर लेट्स से 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में एसबीआई ने सिर्फ 500 करोड़ लगाए हैं, बहुत कम इन्वेस्ट किए, लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी नहीं है, तब भी होगा, इवन इफ द डीसीप इज नॉट द लार्जेस्ट इन्वेस्टर, क्योंकि डीसीप को तो आपने किसी भी तरह से एनपीए बनने देना ही नहीं, डीसीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जेएलएफ नॉर्म्स में बात लिख दोगी वाली कि डीसीप को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस दी गई है, और टीम का पार्ट बनना ही बनना है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट इज एसएमए मैकेनिज्म, एसएमए स्टैंड्स फॉर स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, स्पेशल मेंशन अकाउंट मैकेनिज्म। इसमें बस सिंपली आरबीआई वही बोल रहा है कि एसएमए की क्लासिफिकेशन कर दो, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। 0 कहते लेते हैं कि आज आपके कोई पर्टिकुलर अकाउंट वाले के पैसे ड्यू थे कि आज आज उसकी पेमेंट आनी चाहिए, नहीं आई, तो कहते 90 दिन की वेट नहीं करनी आपने, 90 डेज के बाद उसको कोई एक्शन नहीं है, कहते डे 1 से शुरू कर दो। क्लासिफिकेशन कैसे, एसएमए 0 इज 0 to 30 days हो गए, अभी तक वापस नहीं आए, दिस इज 31 to 60 days एंड दिस इज 61 to 90 days। इस तरह से कहते अलग अलग अकाउंट्स को क्लासिफाइड रखो कि 30 दिन वाली कैटेगरी है, थोड़े से थोड़ा सा फॉलो अप, ज्यादा फॉलो अप एंड बहुत ज्यादा फॉलो अप, फॉलो अप बढ़ा दो, बुक्स को वो बोल रहे हैं अपनी जो बुक्स होंगी उनको सेग्रीगेट करना शुरू करो कि ये एसएमए अकाउंट्स की बुक है, अकॉर्डिंगली उन पर ज्यादा फॉलो अप हो रहा है, एनपीए बनने ही मत दो, आरबीआई ये चाहता है एनपीए बनने ही मत दो। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, आपको पता है डीआरटी, इस पे तो स्पीडी रिकवरी के लिए बात हो रही है, और अभी एक लेटेस्ट टीके विश्वास कमेटी, वो उसके पॉइंट निकालने आपने, टीके विश्वास कमेटी आई है अभी और उसने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की बात करी है, जो प्रोफेशनल्स बनाने की बात करती है, तो ट्राई तो करनी थी वैसे कि अलग से इस पे काम करें, लेकिन थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट आ रहा है बार बार, तो टीके विश्वास कमेटी खुद से पॉइंट निकालने हैं। एक्सप्रेस में टीके विश्वास कमेटी के 5 पॉइंट आए हुए, वही स्ट्रेट अवे कॉपी करने और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसॉल्वेंसी बिल भी आ गया साल में। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज युआन डिवैल्यूएशन, ये हमने किया था पहले, युआन किसकी किसकी करेंसी है, यूके की, जापान की, जापान, चाइना की, येन किसकी है, येन जापान, और युआन का एक और नाम भी है, देसी नाम, हाँ, रेनमिनबी, रेनमिनबी, तो युआन डिवैल्यूएशन रेनमिनबी, जैसे मर्जी बोल देना इसको, रेनमिनबी। ऑलराइट, डिवैल्यूएशन होती क्या है, ऑफिशियल लोअरिंग है, पहली बात है ना, ऑफिशियल लोअरिंग, जब सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू घटा रहे हैं, हम अपनी करेंसी की वैल्यू घटा रहे हैं, लेट्स से इंडियन एग्जांपल पे आओ जल्दी से, तो लेट्स से एक डॉलर की कीमत मान लो 65 रुपीज है, एक डॉलर की कीमत 65 रुपीज है, तो कल अगर एक डॉलर की कीमत 50 रुपए हो जाए तो करेंसी बढ़ी है कि घटी है, अप्रिशिएट किया कि एप्रिशिएट किए, एप्रिशिएट, क्योंकि अब मुझे कम रुपए देने पड़ते हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन में थोड़ा क्लियर रखना कि आपकी करेंसी की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, कैसे, कितने रुपए देने पड़ते हैं आपको फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए, तो ऑफिशियल लोअरिंग कि जब इंडिया खुद बोल देगी अब 65 रुपीज में डॉलर नहीं, अब 90 रुपीज में डॉलर मिलेगा आपको, हम खुद से ही अपने रुपये की प्राइस गिरा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और एक्सपोर्ट में फायदा होता है ना, एक्सपोर्ट आपका और सस्ता हो जाता है फॉरेन करेंसी में, क्योंकि जैसे पहले यूएस वाले को 65 रुपए देने पड़ते थे, एक डॉलर के 65 का सामान खरीदता, अब वो एक डॉलर में 90 का सामान खरीद सकता, मान लो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए डेप्रिसिएशन इज गुड फॉर एक्सपोर्ट। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दो अलग कॉन्सेप्ट है, तो डिवैल्यूएशन इज जब सेंट्रल बैंक खुद से गिरा रहा है वैल्यू, वो बोल रहा है कि नहीं हम वैल्यू गिरा रहे, और मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर्मली सेट्स अ न्यू एक्सचेंज रेट, खुद से बोले कि आज से हम यहाँ से शुरू करें, जैसे कल सुबह उठे अखबार में आया कि डॉलर की प्राइस रुपये के हिसाब से 100 रुपए होगी, तो खुद से हमें बता दिया कि यहाँ से शुरू करेंगे ट्रेडिंग टूटिंग जो भी होगी यहाँ शुरू होगी। ओके, अभी ये डिस्कस भी होगा, दोनों दोनों आस्पेक्ट डिस्कस करने हैं, क्योंकि वो भी ये भी सारा डिस्कशन ही हुई।
this is with respect to the foreign reference currency, and should not be confused with depreciation. Depreciation kya hai? Market forces kar rahi hai, automatically. Market forces. Central bank ne kuch nahi kiya. Depreciation market forces, devaluation is by official authority. Okay. China ne kyun devaluate kiya? Do karan hai. Ek to global karan aur ek domestic karan. Global karan kya hai? Trade competitiveness. China to export driven economy hi raha hai bahut time se. So, aur duniya mein exports pick nahi kar rahe hain abhi. Exports ho gaye hue hain. तो चाइना चाहता है कि एक्सपोर्ट्स थोड़े कंपटीटिव हो जाएंगे तो और लोग हमारा सामान खरीदेंगे इसीलिए. एंड सिमिलर मूव की गई थी साउथ कोरिया एंड जापान ने. प्रीवियस एक साल में साउथ कोरिया और जापान ने कंसिस्टेंटली अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया. तो चाइना, क्योंकि दोनों ही जापान और साउथ कोरिया दोनों ही अगेन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी, इसलिए डोमेस्टिक फोर्सेस क्या, चाइना के अंदर से क्या प्रॉब्लम आ रही है. अब डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ मेंटेन नहीं कर सकते, उनकी डोमेस्टिक मार्केट इतनी रैपिडली नहीं बढ़ रही कि चाइना के 10% ग्रोथ रेट को चलाए रखें. उसके लिए उनको एक्सपोर्ट पे सारा लेना ही पड़ेगा. डोमेस्टिक मार्केट का थोड़ा सा फेलियर माना गया. एंड देन हाई इंटरनल डेट लेवल्स. अब वही जैसे शायद पहले बात होती है कि चाइना की इकोनॉमी कैन इम्प्लोड, डोमेस्टिक डेट लेवल इतने हाई है कि वो उसको रीपेमेंट नहीं कर सकते, रीपेमेंट नहीं कर सकते डॉलर टर्म्स में. उन्होंने डॉलर्स में उधार लिया हुआ, फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में उधार लिया हुआ डॉलर्स में, और डॉलर्स में वापस करना है उनको. अब वापस नहीं कर सकते अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कमाएंगे. एंड देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये देख रहे हो बहुत ही सही चाइना की चालबाजी. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इससे बढ़ेगी. चाइना इससे क्या ट्राई कर रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाने की. अब लेट से आपने आज रुपये टर्म में वापस आते, आज आपने डिसाइड कर दिया कि डॉलर 100 रुपये का होगा. तो डॉलर 100 रुपये का होगा, फॉरन में तो हमारे फॉरन से इंपोर्ट्स आते हैं. जैसे तेल आता है हमारे पास, तेल आता है हमारे पास लेट से कितने का, $50 का एक बैरल मिलता है. तो पहले 50 × 60 करके 3000 का मिलता है, अब 50 × 100 करके कितने का मिलेगा, 5000 का. तो हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टली हो गए. तो जब करेंसीज की वैल्यू गिरती है तो इंपोर्ट्स महंगे एंड एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट्स महंगे हो गए. तो चाइना सोच रहा है कि अगर इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो हम खुद घर में बनाना शुरू करेंगे. तो चाइना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी चाहता है हो जाए ग्रेजुअली, जो भी सामान बाहर से मंगवाते हैं खुद घर में बने, क्योंकि बाहर से महंगा मिलता है. बिकॉज ऑफ कॉस्टली इंपोर्ट्स नाउ आफ्टर डिवैल्यूएशन. इंडिया पे इंपैक्ट देख लेते हैं. अब ना ये हमें क्लियर नहीं है एग्जैक्टली कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट होने वाला है. तो दोनों तरफ से हो सकता है, मे की लैंग्वेज में चलेगा, मे इट मे हैपन एंड दिस मे हैपन. तो रुपी तो डेप्रिशिएट हुआ जैसे ही, जैसे वहां पे चाइना ने डिवैल्यूएट किया इंडिया, यहाँ पे इंडिया का रुपया डेप्रिशिएट हो गया. क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है, ब्रॉडर फंडा, कि जब चाइना ने अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी, चाइना अब एक्सपोर्ट करेगा बहुत सारा, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो चाहती हैं खुद का एक्सपोर्ट हाउस बनाना या खुद चाहते हैं अपने सामान को एक्सपोर्ट करना, वो सब अपना घर चाइना में बना लेंगे. तो इंडिया से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ, इंडिया से डॉलर्स निकले, कंपनी चली वहां पहुंच गई, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी ज्यादा, क्योंकि वहां एक्सपोर्ट कंपेटिटिव होता जा रहा है. तो इसीलिए रुपी डेप्रिशिएट हो गया ऑटोमेटिकली. तो चाइना की चाल थोड़ी सी इंडिया ने फ्लॉप कर दी, ठीक है, समझे कैसे, कि डोमेस्टिक यहाँ से फ्लो निकला डॉलर्स का, चाइना पहुंच गया, और जब जैसे यहाँ से डॉलर्स निकले तो रुपी की वैल्यू गिर गई, रुपी डेप्रिशिएटेड ऑटोमेटिकली. और एक ही दिन में 3% गिर गया, 2.8% एक दिन में तो नहीं गिर सकता. 7 अगस्त की जो डेटा रिपोर्ट थी मेरे पास देखी मैंने, उसके बाद दिखाया गया है कि रुपी ने कंसिस्टेंटली विद इन अ मंथ्स टाइम 3% का ड्रॉप दिखा दिया, कंसिस्टेंट ड्रॉप. इंडिया अब कैसे, मे पुश इंडियन एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन कैसे आएगी, एक सेकंड, अभी आप इन्फ्लेशन आएगी इंपोर्ट्स से, इंपोर्ट्स, लेकिन हमारा फायदा क्या हुआ, इंपोर्ट्स और सस्ते हो गए. कि जो उम्मीद थी कि ऑयल जो हम मंगवाते हैं इंपोर्ट करते हैं अब वो महंगा आएगा, लेकिन ऑयल इंटरनेशनल सस्ता होगा, थोड़ी किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट जब हम बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के साथ हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनल तो इंडियन करेंसी चलती है, चाहे डॉलर 100 का मिल रहा हो चाहे डॉलर 10 का मिल रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता उस चीज का. हमें फर्क कब पड़ता है, जब हम अपने इंटरनली जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल टच करती हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल कोई आपकी चीज लगी हो जिसने वैल्यू एड की हो, और वो जैसे हमारे देश में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑयल, तो ऑयल सस्ता हो गया, हमें इतना जो लगता था कि इम्पैक्ट आएगा
कि रुपी डेप्रिशिएट कर गया कि इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, इंडिया में सामान महंगा हो जाएगा, हुआ नहीं, इंसिडेंटली नहीं हुआ, होना चाहिए था। ये लेकिन हमने वो ये ना, हमारे जो आइडियल हमें जितना नुकसान होना चाहिए था नुकसान नहीं हुआ, तो हमारा रुपी डेप्रिशिएट हुआ, हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस बढ़े, तो इंडिया तो खुश है इस पे कि चाइना डिवैल्यूएट करेगा। और ना एक बहुत बड़ी बात, आगे पढ़ते हैं, अभी चाइना में ना सडनली, अब चाइना में क्योंकि अब इंटरनल डेट सर्विस करना है उनको, डॉलर्स में उठाया हुआ है, डॉलर्स में उधार लिया हुआ है, डॉलर्स में वापस करना है, अब इंटरनल इकोनॉमी इतना ग्रो नहीं कर रही जो कि इंटरनल डेट सर्विस करते हैं, और इसीलिए युआन कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है ऑटोमेटिकली हर रोज वहां पे। अब जैसे ना आपको ये 2% का ब्रैकेट होती है, प्लस माइनस 2%, तो हर रोज आपकी करेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, जिसको सेंट्रल बैंक अलाउ करते हैं, इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोट बोलते हैं, 2% की विंडो मिलती है। चाइना में हर रोज नीचे वाली विंडो बंद होता है, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, और चाइना के पास $4 trillion का रिजर्व था, तो अप्रोक्सीमेटली चाइना ने लास्ट एक साल में $1 trillion खर्च दिया रुपी अपने युआन को स्टेबलाइज करने, तो वहां पे ये डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। तो जैसे आपको पूछ रहा था कि कितना फायदा है कितना नहीं, तो अब इससे पैनिक शुरू हो गया, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड आ रहा है युआन का, एक जगह जाकर रुकना चाहिए था, रुका नहीं, तो वहां पर अब दिस इज गुड न्यूज फॉर इंडिया कि अब इंडिया का रुपी एक लेवल पे अगर डिप्रिशिएट कर रहा है अब रुक जाएगा। अब लेकिन इंडिया में रुपी डेप्रिशिएट करने के और भी रीजन थे कि जीएसटी रिफॉर्म्स, हमको बहुत उम्मीद थी जीएसटी आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बहुत उम्मीद थी कुछ कुछ होगा, हुआ नहीं, रुपी डेप्रिशिएट उसके कारण भी हुआ हमारे देश में, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, लेकिन चाइना के भी दोस्त, चीपर चाइनीज गुड्स, चाइना अगर सस्ता सामान बना के बेच रहे हैं तो हमारे कुछ सस्ते इम्पोर्ट्स मिलेंगे हमारे को, इसके वही अगेन फायदा भी है, ये फायदे में लिखेंगे नुकसान में भी लिखेंगे, नुकसान में क्या है डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट होती है, और मे हेल्प ग्लोबल इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ चीपर इम्पोर्ट्स। अब दुनिया की इकॉनमी चलने शुरू होगी, सस्ते सामान दुनिया में जाके बिकेंगे तो दुनिया की इकॉनमी चलने शुरू होगी, शायद इंडिया का भी कुछ काम बन जाए, नेगेटिव मे हर्ट सम इंडियन एक्सपोर्ट्स, सबने मे की लैंग्वेज, सारी टोटल मे की लैंग्वेज, हमें पता ही नहीं जो सोचा गया था वैसा हुआ ही नहीं, कुछ कुछ अलग ही हो जाता है, तो मे हर्ट सम इंडियन एक्सपोर्ट्स, इंडियन एक्सपोर्ट्स तो हर्ट होंगे अगर चाइना का एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, चाइना सारे संसार एक्सपोर्ट बेचे जा रहे हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए, और मे हर्ट सम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी हैं यहाँ पर, जो वो सामान जो चाइना से मंगवाना शुरू कर दें वो वाला, दे मे बी हर्ट, एंड मे इम्पैक्ट एफडीआई इन इंडिया, इट इज नॉट मे, इट इज सर्टन ये हो रहा है, इंडिया में एफडीआई इम्पैक्ट होंगे, एंड मे बी इन्फ्लेशनरी इन नेचर, बट लेकिन लकीली हम बच गए, एंड सम इम्पोर्ट्स में गेट कॉस्टली, लेकिन लकीली हम बच गए क्योंकि ऑयल वगैरह जो मेजरली इम्पोर्ट करते हैं वो महंगे नहीं, वो सस्ते हो। वे हेड इज एक्सटेंड प्रोडक्शन अगेंस्ट डंपिंग, जो चाइना सस्ता सामान बेच बेच के और सस्ता ना बेच दे यहाँ पर, डंपिंग इज जब प्रोडक्शन कॉस्ट से सस्ते में सामान बेचा जाए, 100 रुपए का सामान बना था लेकिन बेच दिया आगे 90 रुपए में, दैट इज डंपिंग, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यदि चाहे आपकी इकॉनमी जब अगर रोबस्ट हो, थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इन्वेस्टर सह लेते, रोबस्ट इकॉनमी बनानी जरूरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना ब्रॉडर एजेंडा है, एंड आरबीआई कैन मैनेज एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी, आरबीआई अपने खजाने खोलता रहे टाइमली और पैसे डालता रहे मार्केट में तो वॉलिटिलिटी रुक सकती है, एंड चाइनाज इंक्लूजन इन IMF SDR, जो इनके यहाँ पर इन्होंने अपना जो IMF की जो बास्केट है अपनी ऑफ गुड्स ऑफ करेंसीज, उसमें चाइनीज युआन ऐड हो गया, तो उसके कारण अब क्या होगा, इंटरनेशनल स्क्रूटनी है चाइना पर, इंटरनेशनल स्क्रूटनी मतलब सबकी नजरें हैं चाइना पर, अब चाइनीज गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपनी करेंसी डिवैल्यूएट नहीं कर सकती बार बार, तो वो इंडिया वाज़ द हैप्पीएस्ट नेशन ऑन द प्लैनेट जैसे चाइना शामिल हुआ SDR में, कहते अब नहीं करेंगे अपनी जैसे हरकतें करते हैं, और इंडिया एंड यूएसए तो स्पेशल पुश किया IMF को, प्लीज डू दैट, चाइना को शामिल करो, अदरवाइज हर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट सस्ते कर रहे थे अपने। We'll be right back.